ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं 10.2, जो टॉपिक है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर वो है मैग्नीफाइंग मैग्नीफाइंग पावर एंड रिजॉल्विंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। स्टूडेंट्स, इसमें हमने डिस्कस करना है, जैसे इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि हमने इसके अंदर मैग्नीफाइंग ग्लास को डिस्कस करना है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिस्कस करना है और टेलीस्कोप को। तो इन तीनों ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की हमने करनी है दो चीज़ें, एक सबसे पहले इसकी मैग्नीफाइंग पावर, दूसरी इसकी रिजॉल्विंग पावर। तो सबसे पहले देखते हैं मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है। बच्चों, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं एक लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर जो 25 सेंटीमीटर है, तो वहाँ पे वो ऑब्जेक्ट जो है अपेरेंटली जो अपीयर होता है उसका जो इमेज अपीयर होता है उसका एक खास साइज होता है, उसकी खास मैग्निफिकेशन होती है। अगर उसी ऑब्जेक्ट को अगर हम फर्दर उसको मूव करना शुरू कर दें लाइक दिस मार्कर, जैसे चांद है या कोई भी ऑब्जेक्ट जो दूर होता है वो आपको छोटा नजर आता है, जैसे जैसे वो क्लोज आता जाता है उसका जो अपेरेंट साइज है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर वो ऑब्जेक्ट एक खास डिस्टिंक्ट विजन से जो है डिस्टिंक्ट विजन जो नियर पॉइंट से आगे जाता है तो उसके जो फीचर्स होते हैं, उसका जो कलर होता है, उसका जो टेक्सचर होता है, उसकी जो शेप होती है, उसके ऊपर जो माइनर डिटेल्स होती हैं वो ब्लर होना शुरू हो जाती हैं, और वो हमारे पास 25 सेंटीमीटर। हमने मैग्नीफाइंग पावर पढ़नी है अपने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में मैंने जब इंट्रो दिया था तो उसमें कहा था सबसे पहले मैग्नीफाइंग ग्लास। तो स्टूडेंट, मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे हमने एक कन्वेक्स लेंस लिया हुआ जैसे इस डायग्राम के अंदर है, इसके सामने जो है हमने इसके फोकस से बियॉन्ड जो है हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसका ये प्रिंसिपल फोकस है, और इसका इसके परे जो है हमने बिटवीन एफ एंड 2F जो है डबल प्रिंसिपल फोकस और फोकस के दरमियान हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ओ। तो इसके थ्रू जब हम देखते हैं तो इमेज फॉर्मेशन जो है अवे द कन्वेक्स लेंस है हमारे पास, अवे द लेंस जो है इस पे रियल और इसके ऊपर जो इमेज बनना है वो एक तो रियल इमेज होगा, जो बॉडी देख रहे हैं वही उसका वो उस ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा भी होगा और इन्वर्टेड भी होगा। तो ये कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टीज में भी आ जाता है। कन्वेक्स लेंस के थ्रू जब हम इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे, जब हमने इसके प्रिंसिपल फोकस से परे हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, इसके फ्रंट पे, और इसके बियॉन्ड द है, बियॉन्ड द प्रिंसिपल फोकस जो है इसका टू टाइम इसका जो रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है उसको अगर हम स्टडी करते हैं तो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। ओ बच्चों, इस कन्वेक्स लेंस का इस ऑप्टिकल सेंटर से जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है उसको डिस्टेंस का नाम दिया है पी का, जबकि इस ऑप्टिकल सेंटर से अवे द कन्वेक्स लेंस जहाँ पे रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइंग इमेज जो डेवलप हो रहा है, सेंटर ओ जो हमारे पास है ऑप्टिकल सेंटर से जहाँ तक इमेज बन रहा है उसको नाम दिया हमने क्यू का। तो हम जब हम एनालाइज करते हैं, जब हम देखते हैं किसी भी चीज को, आप वैसे आप इस मार्कर को या किसी भी ऑब्जेक्ट को देखोगे या विद द हेल्प ऑफ द कन्वेक्स लेंस या कोई भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देखोगे तो इनकी जो मैग्नीफिकेशन इनके साइज में डिफरेंस नजर आएगा आपको। तो वो साइज जो कि आफ्टर जो है या हमारे पास जो साइज ऑफ द इमेज होता है एक्चुअली वो क्या होता है, साइज ऑफ द इमेज हमारे पास या हमें कोई भी जो ऑब्जेक्ट नजर आता है वो क्या होता है एक्चुअली, जो इमेज बन रहा होता है वो कैसे बन रहा होता है। वो एक्चुअली होता ये है कि हम जब किसी ऑब्जेक्ट को देते हैं तो लाइट आती है रिफ्लेक्ट होकर, बाद हमारी आंख में इस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर आती है तो हम उस चीज को देखते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट आप देखते हो ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप देखते हो, तो
हमारे पास मैग्निफिकेशन जो है दो तरह की आती है। एक मैग्निफिकेशन तो बच्चों आपकी नॉर्मल आई की है, ठीक है, जो आपका अपना नेचुरल लेंस है उसकी मैग्निफिकेशन। दूसरी वो मैग्निफिकेशन किसी चीज को मैग्नीफाइंग करके देखना विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट, एक वो मैग्निफिकेशन है। यहाँ पे हम डिस्कस करने लगे हैं वो मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन जनरली टर्म क्या चीज है, मैग्निफिकेशन होती है हमारे पास एक रेशियो को कहा जाता है साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जब विद द हेल्प ऑफ द हम विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसके जो रियल उसका साइज से एपरेंट साइज में आता है, जब वो उसके रियल साइज से जो एपरेंट साइज में हमें उसका इमेज नज़र आता है तो उसकी जो मैग्निफिकेशन हुई होती है वो जो बड़ा होकर नज़र आ रहा होता है वो क्या होता है, एक्चुअली वो रेशियो होती है हमारे पास। रेशियो किसकी होती है, साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या सिंपली कह लो आप कि इमेज और ऑब्जेक्ट की जो साइज की जो रेशियो है हमारे पास वो हमारे पास क्या होती है, मैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं उसे हम, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या चीज है बच्चों, इट इज अ रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सो दिस इज द मैग्निफिकेशन। अब इसको थोड़ा सा हम क्लियर इस तरह करते हैं कि अगर आप मैं इसी मार्कर को, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दिस इज लिड, ये लिड है इस मार्कर का, इसको मैं नेकेड आई से देखता हूँ, अननेकेड आई से इसका जो साइज है इसका इमेज का कुछ और होगा। अगर मैं इसके सामने फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस है या कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कंपाउंड माइक्रोस्कोप है या टेलीस्कोप वगैरह उसको मैं रखता हूँ, तब इसका जो साइज है इसका जो अपरेंट साइज मुझे नजर आएगा वो बड़ा हो गया नजर आएगा। उसकी रीजन क्या है, अगर आप देखो बी के अंदर, बी के अंदर हमारे पास अनएडेड आई है, अनएडेड आई, तो अनएडेड आई के अंदर बच्चों एक खास डिस्टिंक्ट डिवीजन के ऊपर जो है नियर पॉइंट के ऊपर जो हमें इमेज नजर आएगा इस बॉडी का उसका साइज ये है, जबकि जो एंगल बन रहा है वो थीटा डैश है। अगर इसी ऑब्जेक्ट को यहीं रखे हुए मैं इस अपने सामने जो है या विद द हेल्प ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप के थ्रू देखता हूं तो इसका साइज जो है वो बड़ा होकर नजर आता है, तब एंगल जो बनता है वो थीटा बनता है, यानी हम देख सकते हैं कि थीटा इज ग्रेटर देन थीटा डैश। तो बच्चों एक ऑब्जेक्ट को जब हम फार पॉइंट से पास लाते जाते हैं तो उसकी मैग्निफिकेशन क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। तो जो एपरेंट साइज होता है मैग्निफाइड साइज या मैग्निफाइड इमेज जो हमें नजर आता है एक्चुअली वो डिपेंड कर रहा होता है उस एंगल पे वो लाइट जो रिफ्लेक्ट होके फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट जो हमारी आंख में आ रही होती है जो इमेज बन रहा होता है एक्चुअली वो डिपेंड करता है हमारे पास किस पे, वो एंगल पे जो कि ऑब्जेक्ट बना रहा होता है एट आवर आई, हमारी आंख पे जो ऑब्जेक्ट जिस एंगल से बन के आता है वो लाइट जो रिफ्लेक्ट होके आ रही होती है वो उस एंगल, वो एंगल डिफाइन कर रहा होता है, वो एंगल बता रहा होता है हमें कि उसका जो एपरेंट साइज जो है इमेज का वो क्या होगा, यानी वो कितना मैग्नीफाइंग होता। तो देखा ये गया है बच्चों कि अगर वो एंगल बड़ा होगा तो साइज भी क्या होता है, बड़ा होता है, यानी कि वो एंगल जो ऑब्जेक्ट सबस्टेंड कर रहा है एट द आई रेटिना ऑफ द आई वो एक्चुअली डिफाइन कर रहा होता है उसके अपरेंट साइज ऑफ द इमेज को। तो लार्जर द एंगल सबस्टेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई लार्जर द साइज ऑफ द इमेज। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को जो है एक खास डिस्टेंस के ऊपर रख के जो हमारे पास क्या है डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन नियर पॉइंट के ऊपर देखते हैं तो एंगल जो बनता है एक्चुअली वो एंगल हमें उसकी मैग्निफिकेशन को डिफाइन कर रहा होता है। तो अगर हम उस डिस्टेंस को कम करते जाएंगे और ज्यादा एक खास डिस्टेंस जो हमने 25 सेंटीमीटर में लिखा था जो आपका लीस्ट डिस्टेंट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर से अगर मैं उसी ऑब्जेक्ट को इस डिस्टेंस को कम कर दूंगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट का साइज तो बड़ा होता जाएगा, ठीक है। ये देखें ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा हो रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट का इमेज जो है जो नजर आ रहा है उसका साइज ऑफ इमेज जो बड़ा लेकिन उसकी जो डिटेल्स है
उसकी जो फीचर्स हैं वो क्या होती जाती हैं, ब्लर होती जाती हैं, वो ब्लरिंग होनी शुरू हो जाती है, धुंधली होनी शुरू हो जाती है कि आप उसकी टेक्सचर को, उसके कलर को, उसके ऊपर जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं फिजिकल, उसको आप नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, उनका डिस्टिंक्टली नहीं देख सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन जो है, हर एक इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमारे पास, ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट जो है, चाहे वो मैग्नीफाइंग ग्लास है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, उसकी मैग्नीफाइंग पावर होती है बच्चों, वो मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्नीफिकेशन कहलाती है। तो मैग्नीफाइंग पावर, जैसे कि आपका टॉपिक भी है मैग्नीफाइंग पावर बच्चों होती क्या चीज है, एक्चुअली मैग्नीफाइंग पावर हमारे पास, जैसे मैग्नीफिकेशन था रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसी तरह बच्चों ये रेशियो वो दो एंगल्स की रेशियो होगी, एक एंगल साइज ऑफ इमेज हमने कहा था, तो यहां पे वो एंगल होगा एंगल ऑफ द इमेज सबस्टेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई टू द एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो दिस इज द रेशियो, रेशियो दिस डेफिनेशन आल्सो डिफाइंड एट योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 215, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एंगुलर मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल्स सबस्टेंड बाय द इमेज एज सीन थ्रू द ऑप्टिकल डिवाइस टू दैट एंगल सबस्टेंड बाय द ऑब्जेक्ट विद अनएडेड आई, यानी कि अनएडेड आई से मतलब क्या है कि आपने जब एक ऑब्जेक्ट को पहले देखा विदाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मीन विदाउट मैग्नीफाइंग ग्लास, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, उसके दौरान जो एंगल बना वो, और जब आपने विदाउट दैट इंस्ट्रूमेंट आपने उस ऑब्जेक्ट को देखा, दोनों के एंगल की रेशियो ले ली जाए, तो हमारे पास मैग्निफिकेशन आ जाती है या मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन कहलाती है उस इंस्ट्रूमेंट की, उस डिवाइस की। चले जी, यहां तक तो बात होगी मैग्नीफिकेशन की, जो साइज हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, जो टेलीस्कोप के थ्रू जो है चांद देखना हो हमने, स्टार्स को देखना हो, या दूर रात आपके पास जो बाइनिकुलर्स होती हैं, दूरबीन जिसे हम कहते हैं, उनके थ्रू जो है दूर कोई जो है अगर कोई भी चीज है उसको आप पास करके देखना चाहते हैं, तो हम बाइनिकुलर्स वगैरह या टेलीस्कोप यूज करते हैं, जो कि उसके एपरेंट साइज को बड़ा करके पास ला के दिखाते हैं, जैसे वो पास ही है, ठीक है। लेकिन हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अपेरेंट साइज को अगर बड़ा करते जाते हैं तो उसकी जो माइनर से माइनर डिटेल्स होती हैं, उसके ऊपर जो फीचर्स होती हैं, वो ब्लरिंग होनी शुरू हो जाती हैं। तो अगली चीज जो हमें जो तंग करती है, जो इंटेंगलमेंट आता है उसमें, जो परेशानी आती है, वो उसकी रिजॉल्विंग पावर पे आ जाती है, कि एक साइज को आप बड़ा करते हो, देखते जाते हो, लेकिन उसकी फीचर्स जो हैं वो क्या होती जाती हैं, वो कम होनी शुरू हो जाती हैं। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर माइक्रोस्कोप है, मैग्नीफाइंग ग्लास है, चाहे वो टेलीस्कोप है, ठीक है, जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की दो चीजें हम स्टडी करते हैं, एक उसकी मैग्नीफिकेशन पावर और दूसरी उसकी बाद में आती है रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर क्या चीज है, हम पढ़ने जा रहे हैं रिजॉल्विंग पावर। बेटा रिजॉल्विंग पावर ये है कि अगर हम टेलीस्कोप से दो लाइट पॉइंट्स को देख रहे हैं, दो लाइट पॉइंट है मेरे पास, एक मेरे पास रेड है जबकि एक मेरे पास ब्लैक, दे आर वेरी 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 क्लोज। आपको भी ऐसे लग रहा होगा कि ये दो पॉइंट्स जो हैं, एक पॉइंट ये दो लाइट पॉइंट हैं। आप समझ रहे हैं कि आप इंटरनेट पे हमें देख रहे हैं ये वीडियो को, तो आप हमें विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये दो पॉइंट मैंने यहाँ पे, दो लाइट सोर्स हैं, दो लेजर पॉइंट कह लें आप, वेरी वेरी क्लोज दो पॉइंट है, क्या आप इसको डिस्टिंक्टली इनको देख सकते हो? आप दूर से इसको देखो तो आपको एक पॉइंट नजर आएगा कि ये एक पॉइंट है पूरे का पूरा, ठीक है। हालांकि ये दो लाइट सोर्स पॉइंट्स हैं, अगर आप इसको टेलीस्कोप के थ्रू देखोगे तो आपको डिस्टिंक्टली ये नजर आएंगे, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप देखोगे तो आपको ये डिस्टिंक्टली नजर आएंगे। तो बच्चों जब हम मैग्निफिकेशन करते हैं, साथ साथ में दूसरी इसकी प्रॉपर्टी जो ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट की होती है, वो उसकी रिजॉल्विंग पावर होती है, कि हम दो पॉइंट्स जो हमें अपेरेंटली जो है विदाउट द आवर ऑप्टिकल डिवाइस, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वो हमें एज अ होल वन पॉइंट नजर आ रहा है, जबकि उसको हम विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप या किसी भी माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो वो हमें वाजिया तौर पे इस तरह दो पॉइंट नजर आएंगे। एक पॉइंट यहां पे होगा डिस्टिंक्टली,
तो हम डिस्टिंक्टली जो है वाजिया तौर पे कह सकते हैं ये दो पॉइंट सेपरेट है, ये रेड लाइट सोर्स है, ये ब्लैक लाइट सोर्स है, व्हाटएवर। बहरहाल तो रिजोल्विंग पावर हमारे पास क्या होती है, जब हमने किसी इंस्ट्रूमेंट को यूटिलाइज करना होता है तो सिर्फ उसकी मैग्निफिकेशन ही जरूरत नहीं पड़ती उसकी, कि उसको हम साइज को बड़ा करते जाएं, साथ साथ उसकी हमें फीचर्स भी चाहिए होती हैं, साथ साथ हमें देखना होता है कि कितनी माइनर से माइनर डिटेल्स को हम स्टडी कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट के इमेज से। तो रिजोल्विंग पावर बच्चों किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वो कैपेबिलिटी होती है, वो एबिलिटी होती है कि वो माइनर से माइनर जो डिटेल्स हैं वो भी हमें उस ऑब्जेक्ट के साइज ऑफ इमेज के साथ साथ जो है हमें बता सके। यानी कि हम अंडर जो एग्जामिनेशन अंडर ऑब्जर्वेशन कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टडी कर रहे हैं, तो वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो हमें माइनर से छोटी जो डिटेल है उसकी वो भी हमें बता सके उस ऑब्जेक्ट के इमेज से, तो वो हमारे पास कहलाती है रिजोल्विंग पावर। तो रिजोल्विंग पावर बच्चों बेसिकली जो है वो हम डिफाइन करते हैं रेसिप्रोकल होती है हमारे पास उस मिनिमम एंगल का जो कि सबस्टेंड कर रहा होता है वो ऑब्जेक्ट। ये मिनिमम एंगल जो है हमारे पास रिजोल्विंग पावर एक्चुअली ये रेसिप्रोकल होती है किसका, मिनिमम एंगल का। अल्फा मिनिमम आर इज अ रेसिप्रोकल, आर इज अ रिजोल्विंग पावर, दिस इज अ रिजोल्विंग पावर ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो कि हमारे पास रेसिप्रोकल होती है वो मिनिमम एंगल जो कि ऑब्जेक्ट जो है बना रहा होता है जिससे वो इमेज नजर आ रहा होता है, तो वो मिनिमम एंगल हमारे पास वो पॉइंट सोर्सेज कह रहे हैं, लाइट सोर्सेज कह रहे हैं जो कि एट द इंस्ट्रूमेंट बना रहे होते हैं। तो इस फॉर्मूले को रेले ने एक्सप्लेन किया, रेले ने कहा बच्चों ये हमारे पास जो फॉर्मूला है रेले जीन्स फॉर्मूला कहलाता है। रेले ने डिफाइन किया कि हमारे पास किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रिजोल्विंग पावर एक्चुअली रेसिप्रोकल होती है उस मिनिमम एंगल का जो कि वो बना रहा होता है ऑब्जेक्ट, जिससे हम ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं वो मिनिमम एंगल जो दो पॉइंट सोर्सेज जो हैं कोई भी लाइट सोर्सेज जो मैंने बनाए थे वो उस इंस्ट्रूमेंट के लेंस के ऊपर या इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बना रहे होते हैं, तो इससे जो इमेज नजर आता है ये एक्चुअली इक्वल होता है हमारे पास डी ओवर 1.22 लैम्डा के। अगर इसको मैं लिखूं 1 ओवर लैम्डा मिनिमम डी ओवर 1.22 लैम्डा, या बच्चों इसको अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं तो रेसिप्रोकल लेने के बाद लैम्डा मिनिमम मेरे पास आ जाएगा 1.22 टी। लैम्डा बाय डी। तो ये बच्चों ये वो मिनिमम एंगल होगा जो के दो पॉइंट सोर्सेज या दो पॉइंट्स कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो पॉइंट ले लें वो बनाएंगे उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, तो ये मिनिमम एंगल जो है एक्चुअली हमारे पास डिफाइन करते हैं किसको, रिजोल्विंग पावर को। तो रिजोल्विंग पावर के अंदर ये चीजें क्या है एक्चुअली, ये वेवलेंथ होगी हमारे पास उस पॉइंट सोर्सेज की, डी हमारे पास बच्चे डायमीटर होगा, डायमीटर ऑफ द लेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ये एक्चुअली डायमीटर हमारे पास किसका है, लेंस का है, वो लेंस जो के उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर यूज हो रहा है, चाहे वो मैग्नीफाइंग ग्लास है, चाहे वो हमारे पास टेलीस्कोप है, चाहे वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, उसके लेंस का डायमीटर डी, और लैम्डा क्या होगा वो लाइट सोर्सेज जिसके थ्रू जो है वो इमेज बन रहा है पॉइंट सोर्स पॉइंट्स का, तो वो एंगल एक्चुअली हमारे पास क्या डिफाइन करता है, रिजोल्विंग पावर को। अच्छा बच्चो तो रिजोल्विंग पावर एंगल क्या बताता है, कि जितना एंगल हमारा छोटा होता जाएगा क्योंकि ये रेसिप्रोकल है ना एक दूसरे के, जितना एंगल हमारा छोटा होता जाएगा उतनी ही रिजोल्विंग पावर क्या होती जाएगी उस इंस्ट्रूमेंट की ज्यादा होती जाएगी, यानी कि उतना ही हम डिटेल से जो है हम उसकी माइनर से माइनर डिटेल्स भी हम पढ़ सकते हैं। तो रिजोल्विंग पावर अगर हमने ग्रेटिंग यूज किया हुआ है स्पेक्ट्रोमीटर, ग्रेटिंग के अंदर हम यूज करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर, अभी आप नेक्स्ट अपकमिंग टॉपिक्स के अंदर देखेंगे कि स्पेक्ट्रोमीटर क्या चीज होती है। स्पेक्ट्रोमीटर हमारे पास
उसका अगर हम ग्रेटिंग एंगल देखते हैं, ग्रेटिंग रिजॉल्विंग पावर देखते हैं, तो ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर जो रिजॉल्विंग पावर बचो होती है वो होती है आर, वो हमारे पास होती है लैम्डा ओवर लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन के। जबकि अगर हमारे पास यहाँ पे लैम्डा विच इज नियरली इक्वल टू लैम्डा वन, नियरली इक्वल टू लैम्डा टू, तो ये हम लिख सकते हैं डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन, और ये फार्मूला हमारे पास हो जाएगा लैम्डा ओवर डेल्टा लैम्डा के। तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें हाई रिजोल्विंग पावर बताता है ग्रेटिंग की, जिससे हम जो है दो जो लाइट सोर्सेज हैं उनकी जो वेवलेंथ हैं उनमें हम डिफरेंस कर सकते हैं। बच्चों डिफरेंस इन द वेवलेंथ जो हमारे पास दो लाइट सोर्सेज हैं, जारी सी बात है लाइट सोर्सेज की हमने कहा नियरली इक्वल टू उनकी जो वेवलेंथ हैं, एक्चुअली सारी सारी वेवलेंथ जो है वो तकरीबन इक्वल है, लेकिन उनके अंदर फिर भी कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर है। वो डिफरेंस जो है हम रिजोल्विंग पावर के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, उनके दरमियान जो लीस्ट से लीस्ट जो वेवलेंथ डिफरेंस डेल्टा लैम्डा जो है उन पॉइंट सोर्सेज की वेवलेंथ का लैम्डा का वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वही हमारे पास ग्रेटिंग एलिमेंट की रिजोल्विंग पावर को अगर हम लिखना चाहें तो ग्रेटिंग की रिजोल्विंग पावर बचाओ, अब हमने जब ग्रेटिंग यूज किया था लास्ट चैप्टर के 9th चैप्टर के अंदर, जब हमने डायफ्रैक्शन ऑफ द लाइट थ्रू द ग्रेटिंग डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पढ़ा था, तो उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ सीरीज में पैटर्न नजर आता है हमें जो डार्क ब्राइट फ्रिंजेस की फॉर्म में होता है, तो उसके ऑर्डर्स हमने पढ़े थे ऑर्डर ऑफ द फ्रिंजेस को या ऑर्डर ऑफ द डायफ्रैक्शन को पढ़ा था, जिसको हमने mth ऑर्डर का नाम दिया था। जबकि उस ग्रेटिंग के अंदर नंबर ऑफ जो रूल्ड की थी लाइंस थी हमारे पास, जो ग्रेटिंग एलिमेंट जो था ग्रेटिंग एलिमेंट के ऊपर नंबर ऑफ लाइंस हमने क्या की थी रूल्ड की हुई थी। बच्चों अगर आपको पता हो ये ग्रेटिंग एलिमेंट है, ठीक है, इसके ऊपर जो मैकेनिकली लाइंस जो रूल्ड की थी हम नाम दिया था एन का, नंबर ऑफ लाइंस एन। तो रिजोल्विंग पावर जो ग्रेटिंग की होती है एक्चुअली आर जो होती है रिजोल्विंग पावर ऑफ द ग्रेटिंग वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इक्वल होती है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ लाइंस मैकेनिकली उसके ऊपर रूल्ड की होती है उसका ग्रेटिंग एन ऑर्डर ऑफ द ग्रेटिंग पे। तो ये हमारे पास रिजोल्विंग पावर बच्चों आ जाती है किसकी, ग्रेटिंग की, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर और स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर जो ग्रेटिंग यूज होता है उसके लिए भी हम जो है ये फॉर्मूला यूटिलाइज कर सकते हैं।